मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग फाइबर्स जो चैप्टर मैंने प्रीवियसली स्टार्ट किया था उसमें नया टॉपिक ले रही हूँ। इसके पहले मैं आपको उसमें एब्जॉर्बेंट कॉटन, वूल और सिल्क का डिटेल्स और प्रिपरेशन और केमिकल टेस्ट सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। उसी में हम नेक्स्ट कैटेगरी देखने जा रहे हैं। कैटेगरी का नाम है रीजेनरेटेड फाइबर, जिसके अंदर हमको तीन पढ़ना है, ठीक है, वेसिकोस रेयॉन, एसिटेट रेयॉन और थर्ड है अल्जिनेट फाइबर। ये तीनों को हमको पढ़ना है। इसमें ज्यादा क्वेश्चनिंग तो नहीं आती है, पर शॉर्ट शॉर्ट में पूछते हैं उसके बारे में, वही चीजें हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो बालाजी, सबसे पहला जो है वेसिकोस रेयॉन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं रीजेनरेटिव फाइबर के अंदर में। बालाजी का सोर्स क्या है? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम वुड सेलुलोज, जो बहुत बड़े बड़े वुड होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े तने होते हैं प्लांट्स के, उसमें से सेलुलोज को निकाला जाता है और उसमें से फाइबर तैयार किया जाता है, ठीक है ना। केमिकल कॉन्सेप्ट में याद रखना है, जो कि ये वुड सेलुलोज से बना हुआ है तो उसमें सेलुलोज ही रहने वाला है। और यूज में फॉर मेकिंग लिंट, लिंट मतलब कपड़े बनाने के लिए यूज होता है ये, ग्वास मतलब की छानी, और नेट मतलब जाले, जाले से जो जालीदार होते हैं नेट, नेट वगैरह मछली पकड़ने के वगैरह जो नेट होते हैं वैसे हम बना सकते हैं, एंड अदर सर्जिकल ड्रेसिंग भी इससे बनाई जाती है, ठीक है ना। प्रिपरेशन क्या है? तो प्रिपरेशन में पल्प ऑफ कोनीफेरस वुड, ठीक है, कोनीफेरस वुड जो है उसका हमको पल्प लेना है, जो बहुत बड़ा वुड होता है उसका पल्प, अंदर का जो पोर्शन होता है व्हाइटिश वाला, वो हमको कलेक्ट करना होता है, वुड सेलुलोज एंड हेमिसेलुलोज, उसको बाद में ट्रीट करना है एनएच के साथ में। एनएच के साथ में ट्रीट करेंगे तो हमको दो पोर्शन मिलने वाले हैं, एक सेलुलोज वाला पोर्शन मिलने वाला है और एक हेमिसेलुलोज वाला पोर्शन मिलने वाला है, ठीक है, एनएच के अंदर में। फिर हमको इससे काम करना है, वो वहीं पे छोड़ देंगे हम, और सेलुलोज जो है उसको फिर हम ट्रीट करेंगे सोडियम, एनएच के साथ में हमने ट्रीट किया था इसको, तो ये बन जाएगा हमारा सोडियम सेलुलोज, ठीक है। फिर इसको ज़ैंथेट के साथ में हम ट्रीट करेंगे और मिलेगा सोडियम सेलुलोज ज़ैंथेट वेसिकोस, इसको ही नाम दिया गया है वेसिकोस। अब आगे क्या होता है, इसको हम राइपनिंग के लिए छोड़ देते हैं और उसको फिल्टर, राइपन जो हो जाता है, राइपनिंग मतलब कि थोड़ी देर के लिए उसको ये जैसा वो है उसी स्थिति में छोड़ देना, उसके बाद में उसको फिल्टर करना है और फिल्टर करने के बाद में पास करना है उसमें जेट, बहुत तेज एक सोल्यूशन का जेट रहेगा, वो सोल्यूशन बना रहेगा H2SO4 और सल्फेट, सोडियम सल्फेट का बना हुआ रहता है। नाउ दीज सोडियम सेलुलोज ज़ैंथेट एंड H2SO4 एंड सोडियम सल्फेट टुगेदर विल फॉर्म दी रीजेनरेटेड सेलुलोज नेम्ड एज वेसिकोस रेयॉन, ठीक है। आफ्टर दैट क्या होगा, उसमें से हम फिलामेंट्स जो धागे जैसे है वो प्रिपेयर कर लेंगे, उसको ब्लीच कर लेंगे और उसको ड्राई कर लेंगे। नाउ इट इज ट्रीटेड ऑलरेडी एज अ वेसिकोस रेयॉन, ठीक है, ये हो गया उसका प्रिपरेशन। अब इसके केमिकल टेस्ट भी है, तीन केमिकल टेस्ट है। वेसिकोस रेयॉन का सैंपल लेना है, आयोडीन सोल्यूशन लेना है, H2SO4 लेना है, ब्लू कलर आता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको सैंपल लेना है और मॉलिश रेजर के साथ ट्रीट करना है, वॉयलेट कलर आता है। नाउ थर्ड, सैंपल लेना है 80% H2SO4 के साथ में ट्रीट करेंगे, ये कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज है। तो ये हुआ हमारा वेसिकोस रेयॉन। सेकंड जो इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो है एसिटेट रेयॉन। एसिटेट रेयॉन मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल सोर्स सिस्टम, इट इज अ रीजेनरेटेड फाइबर ऑब्टेंड फ्रॉम वुड सेलुलोज, अगेन वुड सेलुलोज से ही बनता है, कॉन्स्टिट्यूट उसमें सेलुलोज ही रहते हैं और यूजेस में आता है फॉर मेकिंग सेलुलोज एसिटेट फिल्म्स। ये सेलुलोज एसिटेट फिल्म्स कहीं पर यूज होती है, हमको सिर्फ यूज याद रखना कि सेलुलोज एसिटेट फिल्म्स इसकी बनाई जाती है। इसका प्रिपरेशन कैसा है? वुड सेलुलोज लेना है, ठीक है, पर्टिकुलर वुड होगा उस प्लांट का ही, उसको कलेक्ट करना है एसिटिक एसिड और एसिटिक कार्बोहाइड्रेट के साथ में और H2SO4 के साथ इसको ट्रीट करना है। इसको ट्रीट करने के बाद प्राइमरी एसिटेट बन जाएगा, ठीक है, जो कि इनसॉल्युबल इन एसीटोन रहेगा। इसको हमको वाटर के साथ में हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, जिसके बाद वो सेकेंडरी एसिटेट मिलेगा जो एसीटोन में सॉल्युबल रहेगा। एंड आफ्टर दैट इस सॉल्यूशन सेकेंडरी एसिटेट को हम पास करेंगे थ्रू जेट फाइन नोजल्स के साथ में, जैसे हमने यहाँ पर किया था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था H2SO4 और सोडियम सल्फेट का जेट रहता है, वैसा ही जेट से हम इस सेकेंडरी एसिटेट को यहाँ पर ट्रीट करेंगे एंड फिलामेंट ऑफ एसिटेट रेयॉन विल बी ऑब्टेंड। तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ एसिटेट रेयॉन, छोटा सा ही है, दो नंबर के लिए पूछा तो आप लिख सकते हैं, फ्लो डायग्राम फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है। अब केमिकल टेस्ट देखिए, तो इसके आपको ये एसिटेट रेयॉन का सैंपल लेना है, इसको हमको ट्रीट करना है, या तो हम 66% H2SO4 ले सकते हैं या कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले सकते हैं। इसको वार्म करेंगे, हमको सोल्युबल फॉर्म में आपको फाइबर जो है सोल्युबल फॉर्म में मिलेगा। नाउ सेकंड टेस्ट, सैंपल लेना है 5 नॉर्मल HCl, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड HCl है ये, एंड उसको या तो हम 5 नॉर्मल HCl लेंगे या 4% KOH लेंगे, ये
येलो ब्राउन कलर फॉर्म। तो ये हो गया एसिटेट्रियोल की केमिकल टेस्ट। अगला हम देखने जा रहे हैं अल्जिनेट फाइबर। अल्जिनेट फाइबर, इसके पहले हम सोडियम अल्जिनेट पढ़ चुके हैं, उसी अल्जिनेट से बनते हैं ये अल्जिनेट फाइबर। प्रिपेयर्ड फ्रॉम दी सोडियम अल्जिनेट ऑफ सी वीड। मैंने आपको बताया समुद्र के अंदर में झाड़ियां रहती है, वो झाड़ियों को कलेक्ट करके उसमें से ये अल्जिनेट फाइबर बनाया जाता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ अल्जिनिक एसिड इसमें पाए जाते हैं। यूजेज में याद रखना, इट इज एज एब्जॉर्बेबल होम्योस्टैटिक ड्रेसिंग। एब्जॉर्बेबल होम्योस्टैटिक ड्रेसिंग, जहां पर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है वहां पर ये ड्रेसिंग करके यूज किया जाता है। एंड एज ए स्वैब फॉर पैथोलॉजिकल वर्क एंड बैक्टेरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। जैसे कि कोरोना का टेस्ट हो रही है, स्वैब टेस्ट वगैरह किया जाता है, तो पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन या बैक्टेरियोलॉजिकल कुछ इन्फेक्शन हुआ है क्या वो चेक करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। इसके यूज इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप। केमिकल टेस्ट में याद रखना है, सैंपल लेना है प्लस 60% H2SO4 प्लस HCl, उसको वार्म कर लेना है, वार्म करने के बाद बॉइल कर लेना है, बॉइल करने के बाद उसमें 50% KOH ऐड करना है, इनसोल्युबल रहता है पूरी तरीके से। सेकंड टेस्ट में सैंपल लेना है 5% सोडियम सिट्रेट में, ये कंप्लीटली सोल्युबल है। इस तरीके से अल्जिनेट फाइबर की केमिकल टेस्ट और एसिटेट रेयॉन और वेसिकोस रेयॉन हमने आज कंप्लीट किया है। थैंक यू।